मंजली, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। और आज की इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में बात करने वाली हूँ आप सभी की धक धक गर्ल फेवरेट माधुरी दीक्षित के बारे में, जिनकी खूबसूरती के साथ साथ उनकी हंसी के भी लोग दीवाने हैं। जी हाँ, दरअसल बात कर रहे हैं माधुरी दीक्षित के बारे में, जो की अपने लटके झटकों से फैंस को दीवाना बनाती है। तो इसी बीच माधुरी दीक्षित से जुड़ा एक किस्सा काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल बचपन में उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो जल्द ही एक्टिंग में घुसे या फिर एक्टिंग में अपना करियर बनाए। तो इसी बीच यहाँ पर माधुरी दीक्षित की शादी कराने के लिए एक मशहूर सिंगर सुरेश के साथ उन्होंने बात की। उन्हें लगा कि माधुरी के लिए एक परफेक्ट आदमी यही रहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि बड़ा के खूबसूरत माधुरी दीक्षित को भी कोई रिजेक्ट कर सकता है? जी हाँ, आपका ये सपना सच हो गया है। दरअसल माधुरी दीक्षित को रिजेक्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि सिंगर सुरेश है, जिन्होंने जो कि उस दौरान माधुरी दीक्षित से 12 साल बड़े थे, और उन्होंने माधुरी दीक्षित को रिजेक्ट कर दिया था। और उसके पीछे का रीजन था उनका दुबलापन, उनका पतला होना। जी हाँ, इस वजह से उन्होंने माधुरी को रिजेक्ट कर दिया था और उनके साथ शादी नहीं की थी। लेकिन अब माधुरी अपनी लाइफ में काफी खुश हैं और अपने पति श्रीनाम नेने के साथ अपना वक्त गुजारती हैं, और उनके दो बच्चे भी हैं और उनकी पूरी कंप्लीट फैमिली काफी प्यारी नजर आती है। तो आपको रिपोर्ट की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन न्यूज़।